आज हमारो महापुरुषन की को न माने नंगन केरो दबार महाराज सूरवीर चूक जात तीर और कमानों से नारी चूक जात है कुपंत के ठहराने से वृक्ष को चढ़ैया कभू वृक्ष ही से चूक जात पानी को तैरैया चूक जात ते से पानी को तैरैया चूक जात पंडित पर चूक जात राजन्याय चूक जात पर एक नहीं चूकत है चुगल चुगली चलाने से आम लेरू 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 तार कमजोर हो गो आए लेरू लेरू सुर में लो है लेरू लेरू ए बत्रीबल और बैठो लेरू बत्रीबल चल रात का एक है तू लेडू किसे कह रहा तू ये बता पहले सारंगी कह रहे तुम्हें कछु हम कह रहे का ये सारंगी खारी थे बड़ा नालायक है महाराज के बताओ दियो तेरे तो सिर्रिया महाराज सारंगी सिर्रिया महाराज सारंगी महाराज तुम बैठते जाओ क्यों रे नालायक कहीं के घोड़ा गधा तू कह का तो तू कह बिज्जू खे दे दो जा पड़ना एक में चुन दी हरामी हरामी कुत्ता कुत्ता तुझे कह रहा ए कुतिया मैं कुतिया साला कहीं का बदमाश गद्दार तूने मुझे बताया नहीं है साले इतना जूता गिरेगा तेरे ऊपर उसके तेरे पे हाँ तेरे पर गिरेगा बदतमीज बताया नहीं है महाराज के रहन सहन कैसा है कैसे तू साले इतना मारूंगा तेरी इतना जूता गिरेगा किसके ऊपर इसके यही के ऊपर यही के ऊपर काला कौआ काट खाएगा मत बोल जाती कहाँ हो रहती यहाँ हो चेहरा तेरा अनमोल मत बोल काला कौआ काट खाएगा तुम एक काम करो हाँ बोलो तुम इसे पकड़ो हाँ और इसे समझाओ अंटर मार के बिल्कुल अब साले मेरी बारी आ गई है वही उधर जा उधर जा तुम इस तरफ आओ हाँ का नहीं ठीक है इस तरफ से हैं अरे घोपड़ा भोरा रहे हो ए बदतमीज कहीं के कहता किसको है मुझे तुझको तुझे गुस्सा तो बहुत आता है साले को जूता मार दी आज वो बहुत गुस्सा है एक अंतर मारू बिल्कुल मारू एक खड़ा हो सीधा इधर आ ऐसे मारूंगा एक दो ना टोलेगा माज माज में टोला कब गया के कह दे रहा हूं बात दोनों इधर आओ हे बत्रीबल इधर आओ दोनों महाराज महाराज इधर लगा लिया
ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਬੰਦ ਕਾ ਯਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੰਦ ਯਾਰ हम कह रहे खड़ा हो जा हम कह रहे खड़ा हो जा तू खड़े बने हैं हम खड़ा हो जाओ खड़ा हो तू ऊपर जा यार ऊपर बत्री बल किसने बोला भैया है कई बात से हाँ किसी इतने प्यार से बोला हमारे पास आए हम इससे मिलना चाहते हैं और ये आए तू निकल ए भाई इधर आओ भाई साहब क्या भाव किस चीज की बधाई है बच्चे का जन्म हुआ है किसके यहाँ तुम्हारे परिवार में हमारे परिवार में तुम्हारे गांव में हाँ हमारा परिवार ही वही कह रहा हूँ ये हमारा परिवार है अगर ये चाहे तभी हम राजा कहलाएंगे अगर ये ना चाहे तो किस चीज के राजा है बिल्कुल इधर आ तू जता दे है तू नीचे जा अब मैं ये बता कुर्सी कहाँ गई महाराज की कुर्सी नहीं चाहिए मुझे मारे मुख जम मान अरे अपनी बिटिया अपनी बिटिया प्राणन प्यारी करे बुराई बहुवन की अपनी बिटिया प्राणन प्यारी करें बुराई बहुमन की उन नए लड़कन खे दूध पचे ना आदत पर गई बहुमन की अरे भाइयों अपनी बिटिया का कात मोर बिटिया या और पराए घर से आई है जो रुख कात या तो बहुआ जितना प्यार देते हो बिटिया को उतना प्यार बहू को नहीं दे पाते हो देना चाहिए और आप हैं कुंवर लाल ठेकेदार जी की ओर से रवाई वालों की ओर से अपनी बिटिया प्राणन प्यारी करें बुराई बहुअन की नए लड़कन खे दूध पचे ना आदत पर गई बहुअन की कैसी ताल मुकाम हो रही है बत्रीवल हाँ तुम एक काम करो का? इस सारंग का मुंह तुम डर रहे हो ना बिल्कुल हमें लगता है ऐसा न हो कहीं इस सारंग हमारी आंख में घुस जाए अगर आंख में चली जाए ना तो तुम्हें आदमियों पर तो पथ राम राम करे क्यों चिंता ना इतने बड़े आदमी बन गए हो का आज जाओ खोर में बैठे हो कह आओ राम राम कौन आ गया हम जो कह रहे
इस सारंगी का मुंह उस तरफ कर दो। ठीक है, बहन ब्याह खा घर में बैठी घरवाली की चिंता है। माता कहती है बेटा दारू कम कर दे लड़का से, बहन सियानी हो गई है, शादी के योग हो गई है, काहे के मानत। बहन ब्याह खा घर में बैठी घरवाली की चिंता है। नहला रहे टहला रहे भैसे बुरई दशा है। कौन की नई लड़कन खा दूध पचे ना आदत पड़ गई। और हमारे श्रीमान जी रामदास भाई जी यानी कि लड़का के बब्बा जी, बब्बा जी यहाँ से आ दो, लगत तो ऐसे ही है। बब्बा की ओर से नाती की निछाओ 20 रुपया से। इसी बात पर कहते हैं कि हम तो अपनी बिटिया को और बहू को एक भाव मानत, जैसे बिटिया जैसे बहू एक सा दर्जा। और जब एक सा दर्जा होगा तो बहू कभू रहा फटिया नहीं सकत, कभू माई के मैं नहीं मचल सकत कि मैं नहीं जाता। प्यारा ही इतना मिलेगा, कौन कौन बहू तो ऐसी है कि मैं नहीं जात माई के, अम्मा मोह कह दू ना ही कर दू। बहन ब्याह खा घर में बैठी घरवाली की चिंता है। अरे नहला रहे टहला रहे भैसे बुरी दशा है। कौन किए और आप आए हैं श्रीमान जी मैयादीन भाई तमूरा मास्टर ख्याल गायक 21 रुपया प्रदान करते हैं। बहुत बहुत साधुवान, बहुत बहुत धन्यवाद। लड़का की चाहत में जन्ने बिटिया मारी कुखन में। वास्तव में जब यो अंतरा या लाइन में कही कर तुम क्रोध आ जा। वास्तव में ऐसा हुआ है कि चेकअप करवाया, अगर बिटिया का अंग है तो उसको नष्ट करवा दिया, वहीं सफाई करवा दी। बेटी कहती है पापा अम्मा मुझे संसार में आने दो, हाथ जोड़ करके कहती है, लेकिन बेटी को वही अस्पताल में नष्ट करवा दिया, टुकड़ा कर करके वहीं करवा दिया, कूड़ादान में फेंकवा दिया। और ऐसी बेटियों की दशा होती है। लेकिन और एक बात और है, अगर एक बिटिया हो जाए दो हो जाए तो अगर टुकड़िया पूछे का भाव मौड़ी भाई मौड़ी, गाँव वाले घड़ी बताएगी मौड़ी या भाई मौड़ी, मौड़ी के भाई में ना गोला घाले ना डीजे बजे। और लड़का हो जाए आहा गोला डीजे डुकरियाँ तक वो चखती हैं, हाओ अखीब खबा हैं। अगर मोड़ी मोड़ी हो जाए दो ठगे तीन हो जाए, मोनी खबाना ना ठेकी जी के मोनी खबाना राणक है, मोनी मोनी हो तो हर जाए क्या खबा जैसे घर तो बनाऊ थे पेट ही में का अपने घर को काम तो जे कुछ मालिक दे है वही तो। लेकिन ऐसा नहीं जानत कि मोड़ी कैसी होते, मोड़ी बिटिया ऐसी होते कि अगर तनक सियानी भाई तो पापा के पानी लेके आ जे, पापा पानी पी ले, मम्मी मैं काम करत हूँ तुम आराम करो, ऐसी होती है बिटिया। और उस बिटिया को नष्ट करवा देते हैं। हाँ बेटी मर्तन मर जाएगी लेकिन माता पिता का ख्याल कभी नहीं भूलेगी। भाई मायके से आएगी अपने पैसों से धोती ले जाएगी और कहेगी कि मेरी माता ने ले दी, मेरी भौजाई ने ले दी। ऐसा होता है और उसी को नष्ट करवाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लड़का की चाहत में जिनने बिटिया मारी कुखन में, उनके लड़का रड़ुआ फिर रहे हेरे बाट दिखाऊंगन की मैं लड़का लड़का। इसी बात पर हमारे बाबूलाल नगारा वालों की ओर से ये 50 रुपए आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
और सुनाया है महाराज, शब्द अच्छे लग रहे हैं ना, समझ में आ रहा है। सास ससुर पति सेवा भूली मर्यादा गई चूल्हे में, महाराज इतनी गर्मी है कि मैं तो पागल भाव जात। सास ससुर पति सेवा भूली, ना सास की सेवा करने, ना ससुर की करने, ना पति की करने, पति की करने साल भरे में एक देर जो ने करवा चौथ तो पास ही रहते। एक देर की बात याद आ गई है, एक जगह हम भोजन करने के लिए समस्त पार्टी गई और उसने अपनी बहू को आदेश दे दिया कि बेटा जाओ ऊपर से घी उठा लियाओ, हाँ पार्टी वालन के भोजन कराने। हम बैठे, बहू गई, नई नई बहू हती, डब्बा उठा लिया घी को, डब्बा में 10 किलो को डब 10 किलो घी भरो तू। बहू से हाथ से छूट गो जीना उतरत मैं घी लड़क गो, बहू रोने लगी और जहाँ हम बैठे थे वो तो से ढड़क के आओ घी, चलो आओ पूरो। बहू ने देखो कि यो घी आया गो, वह बेचारी अपने आप में रोन लगी, जाने आज का होने का कह के तुम्हारे का हो है मोर सास। लेकिन बहू की सास की बहादुरी देखिए आप लोग, जैसे ही तुरंत गई जीना में, लड़खोट हो रहा है डब्बा, बहू रो उतरा है, उन्हें डब्बा अब्बा नहीं उठाओ न घी उठाओ, तुरंत बहू को उठाओ और छाती से लगाओ। बेटा बोले अम्मा घी लड़क गो, काले बेटा और अगर घी तो लड़क गो लड़क जाने, अगर तय लड़क जाती तो ते कहाँ से मिलती घी, तो दूसरो आजे है बोलो यार। और ये लड़का की दादी अम्मा की ओर से ये 10 रुपये आए हैं और 20 रुपये का दान हमारी माता जी की ओर से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोली बेटा अगर तो हाथ गोड़े टूट जाते, अगर तो चोट लग जाती बेटा तो दोबारा कहाँ आती, घी तो दूसरो आजे है, लेकिन मोर बहू हीरा जैसी बहू कहाँ धरी थी, ऐसी सास ऐसी माँ पर आप लोग ताड़ियाँ क्यों नहीं बजाते, बजाइए ताड़ियाँ, ऐसा सब कोई सीख है, ऐसा रखना चाहिए बहू को, और बहू का भी सीखना चाहिए कि ऐसे रहना चाहिए जैसे कौशल्या माता के यहाँ रहना चाहिए, ऐसी बहू माता समझ के रहे। लेकिन ऐसा ना समझे कि बहू परत है पाँव कदमों नहीं परवान वहाँ के चल जा, मैं ना परवाऊँ हर जाए तो, हाँ अब बहू और सास का तो ले बेटा रोटी खा ले, मोह नहीं खाने पहो पर तंदुरुस्ती हूँ के बढ़ गई ऐठ के मारे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, देखे आप लोग सास ससुर पति सेवा भूली मर्यादा गई चूल्हे में, बात बात में किल किल करवे माने बात से खाऊंगन दिए नए लड़कन का। भोजन करन लगे अब पूरी न डुबरी महुआन की, महाराज लास्ट बात है वो भी सुन लीजिए। ज्ञानी हंस फिरते हैं भूखे ही कलियुग के दलदल में, हमारे तमूरा वाले बैठे हैं, अगर भजन ज्यादा का उतरे हैं तो कहे अच्छो नहीं है यार, अगर नमक और मिर्चा में लाउ दिए तो कहे बहुत बड़ा मजा आऊ, कहुन को गाएं घूंघटिया को गाएं घूंघट को गाएं बहुत मजा आऊ। देख कहा ज्ञानी हंस फिरते हैं भूखे ई कलियुग के दलदल में, रज्जू मजा मोह जे अब मारे राजनीति के छौ। महाराज मुझे रिकॉर्ड देखना, तुम्हारे दरबार में कोई रिकॉर्ड करने वाली है बकरी वाली
हमने आज हमारे दिल की बात कहती है धीरेन्द्र भाई, और तुम आज मेरे मंत्री नहीं हो, मंत्री तो ये बता तू, जब तुझे पता इस पर नहीं बैठना, हम तुझे अपना मानते हैं, लेकिन इसको छोड़ दो, जाओ हमारे राज से नित्रकारनी लाओ, नित्रकारनी धीरेन जाके हमारे जो राज के संगीतकार हैं उनसे जाकर कहना कि संगीतकारों महाराज ने नित्रकार नहीं बोला, संगीतकारों हाँ बुलाइए नित्रकारनी धीरेन भाई, नहीं गुड़िया, गुड़िया रानी, गुड़िया गुड़िया बिल्कुल लगाओ, गुड़िया लगाओ कोई ऐसा तराना जो मेरा दिल हो जाए दीवाना। आए हमारी गुड़िया रानी, हम एक नृत्य देखना चाहते हैं, लगाओ धीरेन गुड़िया। महाराज जब तक आ रही है गुड़िया, है तुम जा रहे हो का, दिल छोड़ के ना जाओ, मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल ही तुम मौका था, और कभी कभी